हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आपने अगर लास्ट व्लॉग देखा होगा तो एक आंटी जो आई थी पानी मांगने, ना उनको हम पानी लगाने जाएंगे। उससे पहले मैं दिखा दूँ आपको कि ये जो कलम लगी थी इस साल बिल्कुल हो गई है। देखो, फूल रही है, मतलब फूल तो क्या रही है, पत्ते निकल रहे हैं इसमें, मतलब सक्सेसफुल हो गई। ये दूसरी है, ये है शायद रेड ब्यूट ना, और दो मैंने इसमें सेंटा रोज़ा लगाई थी। उन दोनों को कोई टाइम है निकलने को, रेड ब्यूट निकल गया। इसको मैं फटाफट से खोलता हूँ और 200 वोल्टेज है, तो वैसे 200 या 190 वोल्टेज होती है ना। इस पंप को मुश्किल होता है थोड़ा स्टार्ट होने में, प्रेशर है ना। वो टंकी कहाँ है ऊपर टॉप में, वहाँ पे पानी पहुँचाना मुश्किल होता है। फटाफट से पिट बॉल घुमाते हैं सारे और आंटी को पानी लगाते नहीं, उन्होंने स्प्रे करनी है शायद। आगे आना इसमें पानी इस टाइम पर। तो चल इस फिल्टर को साफ करेंगे ना, फिर ही जाएगा पानी नीचे को। और आंटी का खेत वो नीचे है वहाँ पे, तो मतलब बगीचे के बिल्कुल एंड वाले जो भी कनेक्शन जो है ना, आपको पता होगा अगर ब्लॉग देखते होंगे आप मेरे सारे, तो पूरे बगीचे में पानी की पाइप बिछी हुई है। तो लास्ट में जो पिटवाल होंगे ना, उससे मैं एक नाली जोड़ूंगा उनके लिए नीचे। पाइपें रखी मैंने, इससे मैं पिटबॉल से जोड़ के ना नीचे तक उनको पानी लगा दूंगा। यहाँ पे पिटबॉल अब तो चल पड़ा होगा शायद, पानी चेक करें। वो रखे नीचे आंटी ने ड्रम, अगर आपको दिखे तो यहाँ से जोड़ूंगा मैं नीचे तक ना, और यहाँ से फेंक दे पाइप। नीचे तक उन ड्रम तक, ऊपर से पिटबॉल घुमाता हूँ तो फिर चल पड़ेगा यहाँ को पानी ड्रम। 15-20 मिनट लग जाएंगे उन पंप को भरने में, ड्रम को भरने में ना, और तब हम बंद कर देंगे पंप। पंप पे काहे को लोड डालना, ज्यादा वोल्टेज कम है ना। और ये सारा मटर लगा हुआ है यहाँ पे, जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था ना आपको, इस सब की मैंने निंदाई कर ली। और शायद महीने भर में हो जाएगा खाने को, अप्रैल तक ना, अप्रैल में हो जाएंगे, इसमें लग जाएंगी मटर की फलियां। और आज जो मेरा मेन काम था वो करने आया था मैं, कलमे लगाने आया हूँ। अब रोज़ ही कलमे लग रही है, उसकी कलमे लगाने आया था मैं, नाशपति की ना, 600-700 कलमे मैंने पहले ही लगा ली है। और आज ट्राई करेंगे, सौकर कल में तो लगी जाएगी शायद, और फिर उसके बाद घर को चलेंगे। फिर आपको पता है संडे आज, तो फिर आज तो गोबर उठाना पड़ेगा, फिर घर जाके गोबर वगैरह उठाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। और यहाँ पे बगीचे को आने से पहले मैंने सुबह मैंने व्लॉग नहीं स्टार्ट किया था, पर थोड़ी सी मैंने क्लिप रिकॉर्ड की थी। मैंने गाय के लिए ना जो दाना होता है ना उसको पिसवाने ले गया था मैं, उसकी क्लिप भी रिकॉर्ड की थी, देख सकते हैं आप। और हम खुद से बनाते हैं, खुद से पिसवाते हैं दाना, अपने गांव में ही चक्की है उस पर जाके। और उसके बाद मैंने अपने ग्रीन हाउस में थोड़ी सी स्क्वैश की बीज भी लगाए, उनको देख सकते हैं। एक येलो स्क्वैश लगाई और ग्रीन स्क्वैश भी लगाई है, और
पूरा ग्रीन हाउस थोड़ा थोड़ा करके भर रहा है धीरे धीरे स्प्रिंग के लिए। उसके बाद समर सीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, शायद महीने भर में स्टार्ट हो जाएगी समर सीडिंग भी, जैसे मिर्चें वगैरह, शिमला मिर्च, टमाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमारे मटर बर्बाद कर रहा है और हम लोग कल में लगा रहे हैं आज, और अभी पापा लगा रहे कल में, और शायद सुबह से 20 या 30 कल में लगा ली हमने। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हुई फिर भी लगी काफ़ी। इसको देखो ये, ओहो ये आज अगला दिन है, और पिछले कल ज़रा मेहमान आ गए थे बगीचे में ना, तो मैं इतना काम नहीं कर पाया, तो उसके बाद मैंने व्लॉग भी नहीं एंड किया। और आज कितने 4-5 बज रहे अब शायद, और हमने कितनी 60-70 कलमें लगा ली अभी तक, 100 भी हो गई होगी, क्योंकि सामने वाले जो पेड़ है ना इसमें भी ट्रांसफॉर्म कर लिया, 10-15 लग गई हैं इसमें भी, तो आज भी काफ़ी कलमें लग गई। और इसके बाद भी थोड़ी बहुत कलमें लगाऊंगा मैं, फिर जाएंगे घर को, देखेंगे क्या करना है। और इस व्लॉग को मैं एंड करना भूल गया था पिछले कल, और अभी कर देता हूँ। बस इस व्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।